चलिए अगली खबर यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी हुई, जिन पर अब ईडी का शिकंजा कसने जा रहा है। ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव को लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। बड़े होटल रिजॉर्ट्स के मालिकों से भी इस संदर्भ में पूछताछ होगी, फार्म हाउस के मालिकों से भी पूछताछ होगी। सांपों के जहर की सप्लाई के मामले में अब ईडी की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है। महंगी कारों के काफिले के बारे में ईडी की टीम जांच करेगी। नोएडा पुलिस ने एल्विश को, आपको बता दें, बीते दिनों सांपों के जहर की तस्करी के संदर्भ में गिरफ्तार किया था। फिलहाल जमानत पर बाहर हैं एल्विश यादव। तो मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आती। अब नोएडा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ महंगी कारों के काफिले को लेकर के ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और वो जल्द यूट्यूबर एल्विश यादव से संदर्भ में पूछताछ कर सकती है। बड़े होटल और रिजॉर्ट्स के मालिकों से भी इस संदर्भ में पूछताछ होगी, जहां पर एल्विश यादव रुका करता था, पार्टियों में शिरकत किया करता था, जिस तरीके से सांपों के जहर की वो सप्लाई किया करता था, उसकी तस्करी किया करता था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एल्विश यादव पर बनता है और इसी को लेकर के ईडी की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। एल्विश यादव की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती हुई नहीं। ईडी की टीम अब नोएडा पुलिस के अलावा इस मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू को लेकर के।